16 साल तक तुमको जो माता पिता पाला उससे तुम्हारा कोई प्रेम नहीं हुआ, तुमको जो पति 7 साल तक तुमको प्रेम दिया, एक बच्चे के माँ बना दिया, उससे तुमको प्रेम नहीं हुआ, और फेसबुक या तुम एक हेयर स्टाइल देख ली, एक बॉडी पर्सनैलिटी देख ली और तुमको प्यार हो गया है। पूजा हमारे समाज के लिए कलंक है, पूजा जो की है हम सभी महिलाओं के लिए एक शर्मसार कर्म की है, और पूजा को हम हर तरह से समझ लीजिए तो निंदा करते हैं। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि आज महिलाएं की चरित्र इस तरह से नष्ट हो रही है, और महिला का चरित्र नष्ट ही होना समझिए कि समाज का चरित्र का हनन है। जब उसके पति बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो बहुत सारे खबरें आते हैं कि उसकी पत्नी किसी और के साथ अफेयर हो गया, आखिर ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ या औरतों के साथ किसी और से प्यार करने लगते हैं? एक पुरुष में क्या पाया जाता है कि जैसे ही वो शादी करते हैं महिलाओं को वो लगता है ना जैसे उनकी प्रॉपर्टी हो गई है, इतने रूडली बात करेंगे कि आप देखेंगे कि एक पुरुष का दो चेहरा रहेगा। तो लड़के ने बहुत गलत किया है कि एक बसा बसा मतलब कहता है बसा बसाया परिवार को उसने प्रेम का झांसा में लाकर समझिए आज उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, कि उसका पति न उसको डांटता था न मारता था न किसी प्रकार का कोई उसको कष्ट पहुंचाता था, क्योंकि एक बच्चे की वो माँ थी, और माँ होने के बावजूद भी उसे एक बार भी समझ में नहीं आया कि मेरी 4 साल की बच्ची है, मेरा एक गलत कदम हमारे बच्ची के भविष्य को किस तरह से अंधकार में ले जाएगा। ये पुरुष अपनी बीवी को न डांटता है न फटकारता है न किसी चीज़ का कमी करता है, एक सीधा साधा व्यक्ति मान के चलिए तो वो आज इस परिस्थिति का शिकार बन गया। ये महिला को हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि ये हबसी महिला है, इसका बयान में ये प्यार का एक तमाशा बना दी है, इसको कोई प्रेम नहीं है। अपने पत्नी को पहले नेचर को समझे और समझ ले कि आपकी पत्नी में हवस कितना है, क्योंकि बहुत औरतें होती हैं जो जिनमें मतलब ये जो शारीरिक होता है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है फेसबुकिया प्यार। लोगों को आजकल पता नहीं फेसबुक से प्यार हो जाता है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, व्हाट्सअप से प्यार हो जाता है, भाई कैसा प्यार है, कैसे हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि बात करते करते प्यार हो जाता है, जबकि जिस लड़की को प्यार हुआ है दूसरा लड़का से, उनका पति भी है और 5 साल का बेटी भी है, फिर भी देखिए लड़की को कैसे प्यार हो गया। और ये खबर ये भी आ रही है कि वो लड़का भी बोलता है कि अब बात नहीं करेंगे, लड़की के साथ नहीं रहेंगे। अभी मेरे साथ है महिला विकास मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता देवी, हाँ चलिए इनसे बात करते हैं। मैम कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप मीडिया भाई भी समाज सुधार में अपना कम सहयोग नहीं देते हैं, हम जैसे समाज सेवी को समाज के सामने अगर कुछ बातों को रखने का मौका देते हैं तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक बात रही इस महिला की, तो ये महिला किसी भी मतलब किसी भी स्तर से हम लोग देख लेते हैं सही है। बात उस लड़के की, तो लड़के ने बहुत गलत किया है कि एक बसा बसा मतलब कहता है बसा बसाया परिवार को उसने प्रेम का झांसा में लाकर समझिए आज उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, और आज ही महिला कहीं की भी नहीं है। और महिला विकास मंच ठीक है, उसको हम लोग अपने सुरक्षा में रखे हुए जरूर हैं, लेकिन हम लोग उसको फेवर कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत की है, वो निंदनीय कार्य की है, क्योंकि एक बच्चे की वो माँ थी, और माँ होने के बावजूद भी उसे एक बार भी समझ में नहीं आया कि मेरी 4 साल की बच्ची है, मेरा एक गलत कदम हमारे बच्ची के भविष्य को किस तरह से अंधकार में ले जाएगा। तो ये मान के चलिए तो उस महिला का बहुत बड़ा गलती है कि न जाने वो अपने ममता को कहाँ रख दी थी, कैसा प्रेम उसका हृदय में था कि इतना प्यारा पति उसका है कि वो भी बयान आप लगातार देख रहे होंगे कि उसका पति न उसको डांटता था न मारता था न किसी प्रकार का कोई उसको कष्ट पहुंचाता। एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल क्या हो रहा है ना, लड़कियों को खास करके, लड़कियों चाहे औरतों, उसको अच्छे लोग पसंद नहीं आते हैं। जो बुरे लोग रहते हैं ना वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जब बाद में धोखा मिलता है तो उस बात का एहसास होता है। देखिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो बुराई का बुरा निकलेगा, कि अगर गलत काम का नतीजा तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि गलत नहीं मिलने वाला है तो करके देख लो। तो इस महिला ने गलत काम किया है, उसका नतीजा देखिए गलत सामने आ गया है, तो गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होगा। आप गलत चॉइस करिएगा, गलत रास्ते चलिएगा, तो उसका परिणाम आपके पास हमेशा ही कुछ क्षण के लिए। देखिए, बुराई जो है वो देखने में बहुत आसान होता है, बहुत उसमें चकाचौंध भी होता है, लेकिन वो हमेशा गड्ढा में ही जाकर गिराता है। लेकिन अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है,
थोड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन निश्चित सी बात है कि ये मंजिल की ओर ले जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो लड़की चाहे महिला हो कोई भी हो, ठीक है ना, जब उसके पति बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो बहुत सारे खबरें आते हैं कि उसकी पत्नी किसी और के साथ अफेयर हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ या औरतों के साथ किसी और से प्यार करने लगते हैं? देखिए पति देव का दिमागी सोच ऐसा हो जाता है कि बीवियां हमारी जागीर बन गई हैं, और वो क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करना, बीवी पर फोकस करना नहीं है। मान लेते हैं कि आज मोबाइल का समय है, आप काम कर रहे हैं, उसी बीच में थोड़ा अपनी बीवी को भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। और ऐसा नहीं है, तानाशाही एक पुरुष में क्या पाया जाता है कि जैसे ही वो शादी करते हैं महिलाओं को वो लगता है ना जैसे उनकी प्रॉपर्टी हो गई है। इतने रूडली बात करेंगे कि आप देखेंगे कि एक पुरुष का दो चेहरा रहेगा। वो आप अगर आप अदर पर्सन से देखेंगे वो इतने मीठे मीठे बात करेंगे, और जब अपने बीवी के पास जाएंगे और बीवी अगर कुछ बोल दी, ऐ चुप रहती हो तुम, बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुम फालतू का बात करोगी, जैसे लगता है ना कि उनकी जागीर बीबियां बन गई है। तो ऐसे में जो बीबियां समझदार होती हैं वो तो डांट डपट खाकर भी अपने परिवार में जीवन यापन कर लेती हैं, लेकिन जो नादान बीबियां होती हैं, एक तो स्मार्टफोन हो गया है, वो उनको समझ लीजिए कि वो डांट डपट ही हैं जो उनको भटकने की रास्ता। ये जो लड़की पूजा है वो बोलती है कि मतलब जो पति पहले से है उससे प्यार नहीं था, जब प्यार नहीं था तो बच्चा कैसे हो गया? और अब इस केस में जो अभी हमने बयान दिया है पुरुष का, लेकिन इस केस में कहानी कुछ और है। ये पुरुष अपनी बीवी को न डांटता है, न फटकारता है, न किसी चीज़ का कमी करता है, एक सीधा साधा व्यक्ति मान के चलिए, तो वो आज इस परिस्थिति का शिकार बन गया है। तो ये भी है कि ये तो महिलाओं का सोच पर भी डिपेंड करता है कि कभी कभी कुछ महिलाएं डांट को भी प्रेम रूप में ले लेती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेम को भी कमजोरी रूप में लेके इस तरह के गंदे, मतलब जो वारदात अभी हम लोग के सामने आया है, इस तरह के अंजाम भी दे देते हैं। तरह से अभी लड़की बयान दी है कि मुझे उनसे प्यार नहीं था, लेकिन बच्चा हो गया लेकिन प्यार नहीं था, लेकिन जो अभी लड़का से प्यार हुआ है, नया लड़का से, वो प्यार है, प्यार है, प्यार है, मतलब 7 साल का प्यार कुछ नहीं है और ये अभी नया नया प्यार है। रोड चलते यदि हम लोग सभी से प्यार करने लगें तो फिर कोई परिवार नहीं बसेगा। समाज में जो हमारा सामाजिक जो तौर तरीका है, जो हमारा समाज में रीति रिवाज है, सब समाप्त हो जाएगा। फिर घर घर कहाँ रहेगा? हम लोग चलते चलते किसी को बाप बना लेंगे, किसी को माँ बना लेंगे, किसी को पति बना लेंगे, किसी को भाई बना लेंगे। यानी जो फैमिली तुमको बचपन से लेके 18 साल, मानते हैं इसका 16 साल में शादी हुआ है, 16 साल तक तुमको जो माता पिता पाला उससे तुम्हारा कोई प्रेम नहीं हुआ, तुमको जो पति 7 साल तक तुमको प्रेम दिया, एक बच्चे के माँ बना दिया, उससे तुमको प्रेम नहीं हुआ, और फेसबुक या तुम एक हेयर स्टाइल देख ली, एक बॉडी पर्सनैलिटी देख ली और तुमको प्यार हो गया है, अरे मूर्ख, जो भी महिला इस तरह का बात बोलती है वो महिला खैर हमारे तो दम नफरत की पात्र है। ये महिला को हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं कि ये हबसी महिला है, इसका बयान में ये प्यार का एक तमाशा बना दी है, इसको कोई प्रेम नहीं है। फिर ये क्यों भूल जाती है कि पति भी तो है, बच्चा भी है, कैसे दिमाग से निकल जाता है? नहीं, एक बात कहते हैं ठीक है, पति से तुमको प्रेम नहीं था, बच्ची को तो 9 महीना तुम पेट में रखी थी, और दुनिया में कोई भी माँ हो वो अपने बच्चे से जितना प्रेम कर सकती है वो संसार में किसी से भी नहीं। अब नहीं रहा मैम ऐसा, 5-5 बेटा बेटी को छोड़ करके माँ भाग जाती है किसी और के साथ, कहाँ गया प्यार? ये दुर्भाग्य है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि आज महिलाएं की चरित्र इस तरह से नष्ट हो रही है, और महिला का चरित्र नष्ट ही होना समझिए कि समाज का चरित्र का हनन है। महिला जब सहती है, महिला जब तपती है, तभी कोई परिवार पनपता है, और महिला का जो ये मानसिकता हो रहा है, इसके लिए खास करके मुझे महिलाओं के लिए मैसेज देना है कि आप लोग अपने वजूद को पहचानिए, और आप महिला इतनी बड़ी शक्ति हैं कि आप ही के समझिए कि त्याग से एक परिवार चलता है, एक समाज का सुंदर रूपरेखा होता है। थोड़ा सहनशीलता लाइए, जो पति प्यार देता है उसे डांटने का भी अधिकार है, जो आपको भरण पोषण करता है उसे समझाने का भी अधिकार है। अपने पति के छोटी छोटी बातों को दिल में ना लेकर किसी पराए पुरुष के पास नहीं जाइए, यदि आप लोग जाएंगे तो इसी महिला के तरह आप लोग का मजाक होगा, इसी महिला के तरह महिला विकास मंच आपके विरोध में बात बोलेगी, और ये मान के चलिएगा कि आप महिला, मतलब समाज की एक गंदगी बन के समाज में आप शायद जीवित जरूर
जरूर रहेंगे, लेकिन आप एक गंदगी बन के एक कोने में आपको फेंक दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पति को तो डर हो गया है कि मैं जाता हूँ बाहर कमाने के लिए और पत्नी किसी और के साथ अफेयर करती है, कहीं ना कहीं उनका जिंदगी भी तो कहीं ना कहीं बर्बाद है, वो हमेशा सोचते होंगे। नहीं नहीं, एक चीज इसमें ऐसा भी है कि आप लोग जवान जवान लड़का लड़कियां से जो भी हो आप लोग शादी कर लेते हैं, एक महिला को घर में आया बनाकर छोड़ देते हैं और आप चल जाते हैं काम पर। आपको कहीं ना कहीं पति का मजबूरी होता है कि चलो माँ का देख रेख करेगी, खाना बना के खिलाएगी, वो अपना कष्ट झेल करके माँ की सेवा के लिए रखते हैं बहू को ताकि वो हेल्प हो सके। देखिए राम का जो नहीं रामचरित्र, देखिए रामचरित्र मानस में राम से बड़ा कोई बेटा नहीं, जानकी से बड़ी कोई स्त्री नहीं। आपको हम बतला देते हैं कि जब राम जी वन में जा रहे थे तो उनको ये भी नहीं पता था कि वन, पहले के ज़माने में तो वन और भी भयानक होता था, बाघ चीते शेर इतने सारे जीव जंतु होते थे। लेकिन जब जानकी जी को रोका गया, जब राम जी भी बोले कि जानकी आप मेरे साथ नहीं जाइए, आप पीछे में हमारे माता पिता के सेवा करेंगे, तो जानकी जी बोली कि नहीं, सबसे पहले मुझे अपने पति का अनुकरण करना है और स्वामी आप जिस दशा में रहेंगे मैं भी उसी दशा में रहूंगी। तो जब ये परिस्थितियां हैं, क्या उसमें राम जी के पास कोई सैलरी था, कोई उनके पास क्या कोई व्यवस्था ऐसा था कि पहले से बना बनाया आश्रम रखा हुआ था जो जानकी जी जाती और उसके बाद उनको सारा व्यवस्था मिल जाता? उन्हें नहीं पता था कि कैसा संघर्ष सामने आएगा। तो स्त्री एक पुरुष को भी चाहिए कि अपने पत्नी को साथ साथ रखे। अच्छा, उस पति को क्या कहना चाहेंगे आप जो पत्नी को छोड़ करके बाहर जाते हैं कमाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उस पति? देखिए आप अपने पत्नी को पहले नेचर को समझें और समझ लें कि आपकी पत्नी में हवस कितना है, क्योंकि बहुत औरतें होती हैं जो जिनमें मतलब ये जो शारीरिक होता है ना, हाँ वो कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो एक पति से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। आप देखें कि ये आपकी जो बीवी है अपनी स्वेच्छा से आपके आपको छोड़ के अपने घर में रह रही है कि आपके साथ जाना चाहती है। अगर ज़बरदस्ती आप उसको करके अपने माता पिता के सेवा के लिए रखते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है। लेकिन जो महिला आपको खुशी से विदा कर रही है कि मैं रहूँगी आप कमाने जाएँ, तो वैसे में आप अपने बीबी को छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, वीडियो के एंड में इस लड़की जो ये लड़की पूजा है उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा हमारे समाज के लिए कलंक है। पूजा जो की है हम सभी महिलाओं के लिए एक शर्मसार कर्म की है और पूजा को हम हर तरह से समझ लीजिए तो निंदा करते हैं। और पूजा जैसी महिला को महिला विकास मंच कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगी। फिलहाल अगर उसे रखे हुए हैं हम लोग तो उसके जीवन को सुरक्षा को देखते हुए। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी महिला विकास मंच की सरिता राय जी, उन्होंने अपने सारे प्रतिक्रिया दी पूजा के बारे में और पूजा के बारे में जो भी कहीं आपने सुने। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।